बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयद इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सारे बच्चे जो खास तौर पर हैं वो क्योंकि दो एक दिन बाकी रह गए हैं तो 14 अगस्त की भरपूर तैयारियाँ कर रहे होंगे, खूब उनमें जोश खरोश पाया जा रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें झंडियों की, झंडा लगाने की, तो इनको लगाने के साथ साथ ये ख्याल रखें कि इसकी आपने इज्जत करनी है। जो झंडियाँ मैंने देखा है, क्योंकि मैं देख रही थी कि रास्ते में सड़क पर भी पड़ी हुई थी इधर उधर, मतलब मैंने देखा कि वो बच्चे अक्सर लगा रहे होते तो वो गिर भी जाती हैं, तो वो जब गिर जाए तो उसको उठा के आप वापस रखें अपने पास या तो, और उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा झंडा उसकी इज्जत करेंगे तो हम कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है और अगर हम झंडियाँ या झंडे लगा रहे हैं तो फिर उतारना भी है हमने। हमने ये इंतज़ार नहीं करना कि ये बारिश हो किसी तरह नीचे ज़मीन पर पाँवों में आ रहा हो, तो इस तरीके से नहीं करना। हमें पहली ज़िम्मेदारी तो हमारी है कि बच्चों की ये तरबियत करें कि ये झंडा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, झंडियाँ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 14 अगस्त ज़रूर मनाएं, लेकिन 15 अगस्त को इस बात का भी ख्याल रखें कि बेहुरमती ना हो रही हो पाकिस्तान के परचम की, पाकिस्तान के झंडे की। अच्छा, ख़ास तौर पर इकरा, पता नहीं अब वैसा होता है या नहीं होता, हम छोटे थे परेड हुआ करती थी और हम सुबह उठ जाया करते थे, कौमी तराना बजता था, सब खड़े हो जाते थे और पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं, जब तक कौमी तराना जो है बजता रहेगा आप खड़े रहेंगे, तो हम लोग खड़े रहते थे, सारे इंतज़ार करते थे इस चीज़ का। कुछ चीज़ें इस तरह की कम हुई हैं, लेकिन ये जज्बा बचपन से ही आ रहा होता है और बचपन से ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को कि वो इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों की करें। खास तौर पर जिस तरह से अब हम 15 अगस्त की बात की कि 15 अगस्त तक ये होता है कि सब भूल भुला जाते हैं कि जी अच्छा 14 अगस्त का इवेंट था वो गुजर गया, अब ना झंडा उतारना है ना झंडियाँ उतारनी है, उनको फ़ौरन उतारनी, क्योंकि हम लोग हमजा ये करते थे बचपन में कि हम लोग झंडा उतारते थे तय करके, वापस हम लोग उसको संभाल के रहते थे कि अगले साल फिर ये हमें काम आएगा, और झंडियाँ भी सारी उतार देते, बेशक हम अगले साल नहीं लगा लेते थे लेकिन फिर भी ये है कि उनको हम करके रखते थे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही है और ये ज़रूर ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और मेरे वो वाले भाई जो अपनी बाइक्स चमकाने पे इस वक्त पूरा जोर दे रहे हैं, साइलेंसर उतारने पे जो है ढूंढा जा रहा है किससे उतरवाना है, मेहरबानी कीजिए वो जो बाजे हैं पाँ पाँ वाले वो ना लें, और ये जो आपने साइलेंसर वाला काम करना है ना करें, इससे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। तो हमें 14 अगस्त का जश्न लाजमी तौर पर मनाना है, लेकिन इस दफ़ा तो हमने SOPs का ख्याल भी करना है। पिछले साल भी हमें पता है हमने कोरोना की इस लहर के दौरान ही जो है 14 अगस्त का जश्न है, जो आज़ादी का जश्न है, वो मनाया था, तो अभी भी हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये जश्न मनाना है और अपने परचम की हुर्मत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी कोरोना वायरस की बात करेंगे, NCOC ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है और यही एक अभी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल, अहम कदम उठाते हुए वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। ये फैसला वजारत सेहत और तिब्बी माहरीन की मशावरत के बाद किया गया। इसके अलावा NCOC ने 10 सितम्बर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दिया। हाँ जी, और 10 सितम्बर के बाद सफर के लिए वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट भी कारामद नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जुज़वी की, का मतलब यह है कि जो एक जिसने डोज लगवाई है और सेकंड डोज नहीं लगवाई हुई, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई हुई फिर तो आप देख लें कि चांस ही नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। उधर कराची में कोरोना की चौथी लहर में हमने देखा है दोबारा से तेजी आई है। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि गुज़श्ता रोज शहर में मुस्बत केसेस की शरह 21.89% रही है। अच्छा, वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने हदशा जाहिर किया है कि मुहर्रम के दौरान मातमी जुलूस और मजालिस की वजह से केसेस की तादाद दोबारा बढ़ सकती है, इसीलिए अवाम जो है वो SOPs पर सख्ती से अमल करें, ये जो है एहतियात लाजमी है। हाँ, एक अच्छी खबर भी है वो ये कि कोवैक्स के तहत चीन से इंसदादे कोरोना वायरस वैक्सीन की 10 लाख डोजेज भी पाकिस्तान पहुँच गई हैं, और रूस ये कह रहा है कि Sputnik 5 जो कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ 83% तक मौसर है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसी पर बात करेंगे, माहिराना राय लेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वैक्सीन की दूसरी डोज का जो दौरानिया है ये हम अपनी मर्ज़ी से ही बढ़ा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही कम कर देते हैं, या किसी रिसर्च की बुनियाद पर किया जाता है?
जी वालेकुम सलाम। तो इस पे रिसर्च होती है ऑब्वियसली, एंड जितने भी वैक्सीन हैं तकरीबन सारे के जो हैं जो मैक्सिमम ड्यूरेशन सॉरी मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 हफ्ते की थी, कुछ की 3 हफ्ते की हैं। अब इसमें कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जैसे एस्ट्राजेनेका है जिसके अंदर ये पता लगा है कि इवन दो 4 हफ्ते जो हैं वो ठीक हैं, मगर अगर उसको और लंबा कर दिया जाए तो शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी बनती है, मगर उससे नुकसान ये होता है कि फिर लोगों को फुली वैक्सीन होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो बैलेंस होता है इसको देखते हुए इन लोगों ने अब इसको वापस 4 वीक्स पे कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कितनी ज़्यादा मौसर है, क्योंकि बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं उसके हवाले से आ रही हैं कि फ़लाँ वैक्सीन जो उसकी एफिकेसी इतनी है, तो फिर लोगों में जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि डेल्टा के अगेंस्ट पता नहीं ये वाली वैक्सीन जो है वो करामद होगी भी या नहीं होगी। तो इसके 2 पहलू हैं, एक तो ये कि याद रखें डेल्टा वेरिएंट हमारा 100% जो कोविड है वो डेल्टा वेरिएंट नहीं है, बल्कि आफान के अंदर अबाउट 50% केसेस या 60-70% केसेस डेल्टा होते हैं, यानी कि डेल्टा के अलावा दुनिया और भी है कोरोना वायरस की। दूसरी चीज़ ये है, इवन दो हम कहें कि भाई आपकी एफिकेसी या जो इसकी सलाहियत है ये थोड़ी सी कम हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि ज़ीरो हो गई, और फिर भी ये काफ़ी कारामद वैक्सीन हैं जितनी भी हमारे पास अभी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से कि कराची में हमने देखा है कि शराब फिर से एक बार ऊपर गई है, ये फिर से तश्वीशनाक बात है या फिर हमें 1 वीक का डेटा लेना पड़ेगा फिर कुछ पता लगेगा कि असल ट्रेंड क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अभी बहुत जल्दी है कहना, नंबर्स पे तो रोज ही देखते हैं, एंड वो थोड़ा सा एक डिप आया था फिर एक थोड़ा सा बढ़ा है, मगर 2 दिन की वैल्यू से आप कह नहीं सकते क्योंकि ये जो है ये फ्लक्चुएट तो होता रहता है थोड़ा सा, मगर एटलीस्ट वो तेज़ी से इजाफा नहीं जितना तेज़ी से इजाफा पहले हो रहा था। अब उम्मीद इस बात की कि ये तेज़ी नहीं पकड़ेगा आने वाले दिनों में। अच्छा लेकिन इस बार देखा जा रहा है कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही है, मतवातर 4,000 से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं, ये रुझान कब तक जारी रहने का इम्कान है डॉक्टर साहब? सो ये चलेगा जब तक हम लोग एक तो खुद SOPs फॉलो नहीं करेंगे, एंड इस वजह से ये जो त्यौहार आ रहे हैं इसमें हमको थोड़ी परेशानी है कि अब 2 या 1 के बाद दीगरे अभी आएंगे तो उसमें ये ना हो कि एकदम से ये फैल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्टेड आती है तो फिर वो खुद ही कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने दूसरे वेव्स में भी देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले हमने ये देखा खासतौर पे कराची के अंदर वो रुझान नहीं था वैक्सीन लगवाने का, लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे थे, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने कुछ सख्तियाँ की हैं कुछ ऐलानात किए हैं कि हम ये मज़ीद सख्तियाँ करेंगे रश बहुत ज़्यादा लग गया था, अभी आप क्या देख रहे हैं कि रफ्तार तेज़ हुई है रुझान बढ़ गया है? जी तो रश में थोड़ी सी कमी आई है, उसकी एक वजह ये है कि बहुत सारे और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए हैं, जैसे कि सौरभ ओपन जो फील्ड्स हैं वहाँ पे सौरभ वैक्सीनेशन सेंटर खोल, ताकि जितने भी रश है वो एक जगह जो हजूम लग गया था एक्सपो सेंटर पे और दूसरे बड़े सेंटर्स पे वो अब थोड़ा सा डाइल्यूट या डाइवर्ट हो गया। रुझान अभी भी है, वैक्सीनेशन चल रही है, मगर उस तरह का रश थोड़ा सा कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रेशर कितना है इस वक्त अस्पतालों पे? हमने पहले देखा था कि सिंध में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था हेल्थ सेक्टर के ऊपर, अभी आप देख रहे हैं कुछ शरह नीचे भी आई थी, कुछ बेहतरी आई है? नहीं फिलहाल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, एंड उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक दफ़ा केसेस कम भी होते हैं तो यानी कि फर्स्ट करें किसी को कोविड होता है तो उनको हस्पताल जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद जाते हैं, तो अगर फर्स्ट करें आज एकदम से केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं तो प्रेशर जो है वो मज़ीद फिर भी 1 या 2 हफ्ते तक रहता है हस्पतालों में, फिर वो कम होता है। अब इंशाल्लाह अगर हमारे रेट्स दोबारा नहीं बढ़ते ज़्यादा तो ये प्रेशर अगले आने कुछ हफ्तों में कम होना शुरू हो जाएगा, अगर रेट्स बढ़ते हैं तो फिर वही प्रेशर जा जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है कोविड के हवाले से कि इसके लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इंसानी जिस्म पे, इंसानी दिमाग पे, खासतौर पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो इंसानी जहानत है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो पाकिस्तान में भी इस किस्म की रिसर्चेज कंडक्ट की जा रही हैं? सो इस तरह की रिसर्चेज हो रही हैं उस पैमाने पे नहीं जहाँ पे जैसे बाहर मुल्क में हो रही हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो काफ़ी ममालिक में है कि उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो सब एक बड़े डेटाबेस में होते हैं, तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना निस्बतन आसान होता है। यहाँ पर हर हॉस्पिटल जो है वो अलग अलग होता है और एक हस्पताल में ज़्यादातर पेपर वाला काम होता है तो उसमें ये चीज़ें बहुत डिले होती हैं, मगर इस पर तहकीक भी है, कुछ पब्लिश भी हुई है हमारे लोकल डेटा, तो ये हो तो रहा है मगर इतने बड़े पैमाने पर।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि जो सूरत हाल है अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिंध के हेल्थ सेक्टर पे। देखा जाए कुछ केसेस कम हुए थे लेकिन फिर एक दफ़ा हमने देखा है कि केसेस ऊपर गए हैं। ख़ासतौर पे हम कराची की बात कर रहे हैं। ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, हमारे पास और कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि SOPs का ख्याल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना ही रखना है। ये मत समझें कि आप अपने आप को अगर वैक्सीनेट करवा लेते हैं तो फिर आप लोग जो है वो सेफ़ हैं और आप मास्क नहीं लगाएंगे। आप मास्क का भी इस्तेमाल उसी तरह करें जिस तरह से आप वैक्सीनेट होने से पहले कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, मतलब बात करेंगे बलूचिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकारी खजाने को पानी की तरह बहाया गया है, इस बात का इंकशाफ हुआ है। PDMA की जानिब से कोरोना फंड के खर्च किए गए 1,80,00,000,000 रुपए की तफसीलात सामने आई। अच्छा जी, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक फी थर्मल गन जो है वो 21,960 रुपए और मेट्रस 10,000 रुपए में खरीदने का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता साल फरवरी में कोरोना की पहली लहर के दौरान बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वबा से निमटने के लिए PDMA को 2,23,00,00,000 रुपए दिए थे। अच्छा थर्मल गन की हम बात करते हैं, कई लोगों ने खुद से भी इसको परचेज किया होगा, वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने में परचेज किया था और ये पहली लहर के दौरान किया था जिस वक्त शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा थी। खैर PDMA ने गुज़श्ता साल फरवरी से जून तक 1,80,00,00,000 रुपए खर्च किए हैं जिनसे मजमूई तौर पर 166 अशिया खरीदी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक N95 मास्क 800 रुपए का एक खरीदा गया और 1,60,00,000 के 20,000 मास्क खरीदे गए, जबकि अगर हिफाजत लिबास की बात करें 15,00,000 में खरीदे गए 1,22,00,000 की पानी की सिर्फ छोटी जो बॉटल्स होती हैं वो खरीदी गई और करंतीना मराकज़ की अगर बात करें तो वहाँ टेंट के कील लगाने पर भी 13,00,000 रुपए खर्च किए गए। कील लगाने के लिए इतना खर्चा हुआ। खैर इसके अलावा कोरोना फंड से क्रिकेट बैट खरीदे गए हैं, बॉल्स खरीदे गए हैं, फुटबॉल खरीदे गए हैं, गुड़िया खरीदी गई है, लूडो खरीदी गई है और यहाँ तक के ताश भी खरीदी गई है। और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत चावानी, हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत चावानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बताइए ये दुरुस्त बात है कि बलोचिस्तान में कोरोना फंड से लूडो, ताश, फुटबॉल, गेंद और बैट खरीदे गए? जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और 22 फरवरी 2019 को जब ईरान में कोविड की बड़ी वेव आई और उसके बाद फिर बॉर्डर बंद करने के बाद जब ये SOP स्टैब्लिश किए कि जितने लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, तो क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पे हमने टेंट सिटी स्टैब्लिश किया, वहाँ बेड्स की ज़रूरत थी, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत थी, खाने पीने की अशिया, ये सब बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे लेते, अपने जो अमवतन वहाँ पर आए थे उनकी खिदमत हमने करना था, उनके मेज़बानी के फ़राइज़ सरंजाम देना था और हमने दिया। चूँकि क्वारंटाइन सेंटर में लोग वहाँ पर रहने पर आमादा नहीं थे, ईरान से तकरीबन 1 महीने वो वहाँ पर रह कर आए थे, ज़्यारत के लिए गए थे, मुसाफत तय करके आए थे, थके हुए थे, अपने घर जाना चाह रहे थे और फिर उस वक्त लोगों का माइंड ये था कि कोरोना से उनको कोई ख़तरा नहीं, तो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए लोगों को रखना बड़ा मुश्किल था। और 14 दिन जब लोग किसी कन्फाइंड एरिया में रहते हैं और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर कोई शहर नहीं बल्कि एक BHU है हमारा सिर्फ वहाँ पे तफ्तान में, तो वहाँ पे हमने ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया, तो लोगों को हमने रखा, उनको तमाम हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए और लूडो, ताश या फुटबॉल आपको पता है कितने थे, चूंकि वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे उनको चाहिए थे, लूडो टोटल हमने 158 रुपये पर लूडो की कास्ट थी, 24 लूडो हमने प्रोवाइड किए, 3,792 रुपये बनते हैं। प्ले कार्ड जो है वो 24 पैक्स हमने लोगों को दिए, 7,920 रुपए बनते हैं। फुटबॉल जो है 24 दाने 198 रुपए पर फुटबॉल की कॉस्ट थी, 4,752 रुपए बनते हैं। और बैट जो है बल्ला 395 रुपए में एक बल्ला 30 दाने 11,840 रुपए बनते हैं। और वहां पे लोगों की ये डिमांड थी, आपको याद होगा कि क्वारंटाइन सेंटर से सैकड़ों लोग जो है वो निकलकर भाग गए थे, उनको बाद में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं एहलकार उन्होंने उनको वहां पे पकड़ा, रोड बंद कर धरना देकर वो बैठे, तो लोग वहां पे बैठने पे कथन आमादा नहीं थे और ये कोई बहुत बड़ी कोई खर्चा नहीं, ये जो अपोजिशन ने एक इसको इशू बनाया हुआ है, कोई टोटल ये जो लूडो है, प्ले कार्ड है, बैट है, फुटबॉल है, चूंकि बच्चे थे, बच्चों को तो और भी ज्यादा मेरे ख्याल में टॉयज भी हमने प्रोवाइड करना था, बहुत सारे और खिदमात थे, लोगों की सर्विस हमने करनी थी, बच्चे वहां पे रोते थे, बाद में आपको याद होगा के लोगों के डिमांड थे, बहुत सारे लोग स्मोकर थे, वो सिगरेट का डिमांड कर रहे थे। सरकार ने पोजीशन भी इन्हें ये मामले को ऐसे ही मतलब उठाया, लेकिन क्या बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले की अब शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है?
ऐसा मैकेनिज्म हमने एस्टैब्लिश किया है कि इंटरनल डिपार्टमेंट जो है उन तमाम चीज़ों को देख रही होती है, चीज़ें फिल्टर हो रही होती हैं, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है इस वक्त बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये एस्टैब्लिश किया। उसके बाद एंटी करप्शन का जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है उसको हमने बड़ा अपने पांव पे हमने खड़ा किया है, वो बड़ा फाल है, नैब है, और नैब के साथ द ओनली गवर्नमेंट इज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, हमने नैब के साथ हमारा जो CMIT है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम MOU हमने साइन किया है, नैब को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सेस दिया हुआ है। इसका ही मतलब यह है कि सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, इस शोबे में नहीं कि PDMA में अपोजिशन ने कोई आवाज उठा ली हमने इसको देखा, बल्कि तमाम सेक्टर्स में, तमाम शोबों में जहां जहां काम हो रहा है डेवलपमेंट सेक्टर में, वहां वहां जहां पर कंप्लेंट्स हैं उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, CMIT में इंक्वायरीज जा रहे हैं, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में जा रहे हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रही है, इसमें भी किसी को शिकायत है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है शिवानी साहब, लेकिन अगर इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती है, कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो फिर हुकूमत क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इंक्वायरी का मकसद यही है, अगर किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना हो तो फिर इंक्वायरी कंडक्ट करना वक्त के ज्यादा के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंक्वायरी कंडक्ट होती है लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ, मेरिट पे, फैक्ट पे, फैक्चुअल पोजीशन पे, लीगल पोजीशन पे, सिर्फ अक्यूजिशन की बुनियाद पे नहीं, किसी बायस्ड स्टेटमेंट की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे, और जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसको अपने एविडेंस प्रोवाइड करना, अपने डिफेंस का उसको राइट है, ड्यू प्रोसेस के बाद जिसके खिलाफ कोई एक्यूजिशन साबित होती है ऑफ कोर्स कार्रवाई होगी, पास्ट में भी होता रहा, अब भी होगा। ठीक है शिवानी साहब, बलूचिस्तान हुकूमत की बात करते हैं, अब तक करप्शन पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मेक श्योर करते हुए बड़े बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 3 सालों में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने करप्शन को मिटिगेट किया, रिड्यूस कर दिया है। अब करप्शन यहां पे कोई फख्र की बात नहीं, अगर कहीं पे कोई शख्स बड़े चुप चुपा के कोई करप्शन करता है तो वो अदवार गए जब लोग जो है बैठ के एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते थे और ज्यादा करप्शन करने को ज्यादा फाखिराना अंदाज में बयान करते थे, और कोई शख्स जो कम बेचारा करप्शन करता या पैसे कमाता तो उस पर लान तान करके, तंज करके उसका मजाक उड़ाया जाता। अब वो दौर नहीं रहा, चीजों को हमने बदल दिया और मजीद हम बदलेंगे। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दूं, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आते ही साथ ही हमारा जो PSDP है उसमें से 2500 जाली स्कीमा डिलीट कराया है, 2500 स्कीम्स जो करप्शन का बहुत बड़ा जरिया थी, जिसमें अक्सर स्कीमात ने फर्ज होना चाह, लोगों के, कॉन्ट्रैक्टर के, MPAs के, मिनिस्टर्स के, ठेकेदारों के जेब में वो पैसे जाने थे, हमने उसको रोका। और सिर्फ जो मॉनिटरी करप्शन है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो जिम्मेदारी में जो गफलत बरतते हैं, जो अपना काम नहीं करते, ड्यूटी पे नहीं जाते, 100+ डॉक्टर्स हमने एब्सेंस की बुनियाद पे हमने उनको जो है टर्मिनेट। आप अपना कीमती वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान को दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम लोग तो जो भी करेगा इस तरह किस में मुलविस होगा उसके खिलाफ। अच्छा, वैसे हमने वैसे देखा था उन वैक्सीनेशन क्वारंटीन सेंटर्स में, हमने देखा था जहाँ पे लोग क्वारंटीना किए हुए थे, वहाँ पर क्रिकेट की वीडियोस भी कुछ सामने आई थी, और तब तनकीद ये हो रही थी कि इनको क्वारंटीन किया हुआ है और अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या उससे कोरोना नहीं फैल सकता। खैर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे